यूनिट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आज हम पढ़ेंगे द गैस लॉ। लेट अस स्टार्ट विद द गैसियस स्टेट। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर। तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम गैस के बारे में पढ़ेंगे तो गैस की कैरेक्टरिस्टिक बातें क्या होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ही वीक अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। गैसेस का कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। जिस भी पात्र में डाली जाती है उसका आकार ले लेती है। गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर बिखरे रहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दे हैव वेरी लो डेंसिटी। दे हैव वेरी लो डेंसिटी और इसमें संपीड्यता पाई जाती है। दे आर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम बलून को दबाते हैं तो दब जाता है। इट मीन्स इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। जब हम गैस की बात करते हैं तो सभी गैसेस दो तरीके की कैटेगरी में आती है, आइडियल गैस और रियल गैस। गैस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आदर्श गैस और वास्तविक गैस, आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस हम उस गैस को कहते हैं विच ऑबेज द गैस लो। अभी हम पढ़ेंगे गैस लो कौन कौन से होते हैं, चार्ल्स लो, बॉयल्स लो, एवोगाड्रोस लो, जो हम पढ़ेंगे वो क्या कहलाते हैं, गैस लो कहलाते हैं। Those gases which obey gas laws at all temperature and pressure are termed as ideal gas. ठीक है, आदर्श गैसें सभी ताप और दाब पर गैस के नियमों का पालन करती हैं। लेकिन आदर्श गैस खाली काल्पनिक बात है, इमेजिनरी बात है। नो गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। ऑल गैसेस आर एक्चुअली रियल गैस। सभी गैस वास्तविक गैसें होती कहलाती है। वास्तविक गैस गैस लो के नियम को फॉलो करती है, कब, एट अ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, तो सभी रियल गैसें हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर शो करती है। अब हम गैस लो के बारे में पढ़ेंगे। गैस के तीन नियम हम पढ़ेंगे, बॉयल का नियम, चार्ल्स लो, एवोगाड्रोस लो और फिर इन सभी से हम गैस इक्वेशन निकालेंगे। व्हाट इज़ बॉयल्स लो? बॉयल्स लो कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसकी बात कर रहा है, जब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ डेफिनेट मास ऑफ गैस। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये किस किस के बीच में रिलेशन देता है, ये हमें वॉल्यूम एंड प्रेशर में रिलेशन देता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर में रिलेशन देता है। तो बॉयल्स लो क्या कहता है, बॉयल्स लो स्टेट्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डेफिनेट अमाउंट ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या कहेंगे, पी इंटू वी इज इक्वल टू के, के इज अ कॉन्स्टेंट। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। तो हम अगर ग्राफ खींचते हैं, हम एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं, हम वाई एक्सिस पर प्रेशर को प्लॉट करते हैं, तो इस तरीके से ग्राफ आता है। पी डिक्रीज होने के साथ साथ हमारा वी बढ़ता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए हम इस ग्राफ को क्या टर्म देते हैं, इट इज़ कॉल्ड द आइसोथर्म। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पी वी इज अ कांस्टेंट और ये आइसोथर्म हमें बताता है। सेकेंड लो हमारा आता है चार्ल्स लो। चार्ल्स लो को हम गे लुसैक लो भी कहते हैं। चार्ल्स लो हमें कांस्टेंट प्रेशर की बात करता है। अभी हमारे पास बॉयल्स लो ने किसकी बात की थी, बॉयल्स लो हमें कहता था कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो चार्ल्स लो क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर जब उसका दाब फिक्स होता है, तब डेफिनेट या फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की जब हम बात करते हैं
अब प्रेशर फिक्स है, तो ये किस किस के बीच का रिलेशन बताएगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जब भी हम गैसेस लॉ पढ़ेंगे, टी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, यानी डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हम 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर किस में आता है? केल्विन में। तो हम क्या कहते हैं? वी अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो ये हमारा कौन सा लॉ कहलाता है? चार्ल्स लॉ। इसे हम गे लुसेक। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज अ कॉन्स्टेंट। अगर हम वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और अगर हम टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये ग्राफ चूँकि इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट है इसलिए ग्राफ क्या कहलाता है? आइसोबार। तो दो लो हमने पढ़े, थर्ड लो है हमारा एवोगाड्रोस लो। एवोगाड्रोस लो क्या कहता है? दोनों को कॉन्स्टेंट कर दिया। बॉयल्स लो ने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट किया था, चार्ल्स लो ने प्रेशर को कॉन्स्टेंट किया था, और एवोगाड्रोस लो जो है वो टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट कर देता है और प्रेशर भी कॉन्स्टेंट कर देता है, और दो अलग अलग केस को कंपेयर करता है। तो क्या कहते हैं? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सेम इन सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। दो अलग अलग गैस है, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये क्या कहता है? या हम दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैस हैव सेम वॉल्यूम इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम इसे मैथमेटिकली लिखने जाते हैं तो नंबर को हम किससे लिखते हैं? एन से। तो हम क्या कहेंगे? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर हम सब जानते हैं कॉन्स्टेंट नंबर है, 6.023 × 10³। एन डिवाइडेड बाय एन नॉट जो होता है, एन नंबर को अगर हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मोल्स आता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या कहते हैं? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स आर सेम इन सेम वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट गैसेस। ठीक है, दो अलग अलग गैस है, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। ये हमारे पास कौन सा लॉ था? एवोगाड्रोस लॉ था। इन तीनों लॉ को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या गे लुसेक लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, तो हम क्या लिख सकते हैं? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। ठीक है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एंड वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तीनों को कंबाइन किया तो v इज प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आता है, इस कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। ये r हमारा क्या कहलाएगा? रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। हम क्या लिख सकते हैं? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारी क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। p इज द प्रेशर, v इज द वॉल्यूम, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, r इज द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, we can say it as a gas constant, and T is the temperature. Thank you.